महादेव दोस्तों नमस्कार प्रणाम, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं काजल और आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी शाम का 4 बज रहा है करीब और देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ, आज धूप निकला। हम बहुत सारा कपड़ा धो के डाल दिए हैं, उधर भी डाले हैं और अभी सारे लोग कपड़े धो धो के डाल दिए। और देखिए हम झाड़ू कैसे भी एक एक पत्ता करके, ए बेटा हटा था नहीं, एक एक पत्ता करके आ जाओ अंदर आ जाओ और ला हटा दिया। और इसको ना अभी उठवाएंगे, बच्चे लोग को बुलाने, इसको बोरा में कस के रख लेते हैं, बहुत खराब हो रहा है देख सकते हैं दोस्तों। उधर और झाड़ू मस्त चारों ओर लगा दी है, तो बने रहिए, आ जाओ बेटा आराम से, गिरना मत ठीक है, आ जाओ। अभी जाऊंगी लाने मानसी को, तो गिर जाएगी। यहाँ झाड़ू रख दिए, आ जाओ हाथ दो, आ जाओ क्योंकि अकेले ही उस पर आना होगा, दो आदमी नहीं आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। और घर भी अच्छा है, बस खाली बेड वेड लगा के हल्का फुल्का झाड़ू लगा देंगे। चलिए हाथ धो ले, पत्ता वत्ता निकाले हैं, सारा कुछ गिट्टी उट्टी बीन के रखे थे। तो फ्रेंड अभी एकदम जोर से बारिश आने लगा, दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ देखिए पानी में पड़ रहा है, यहाँ देखिए पानी में पड़ रहा है एकदम झमर झमर, और बादल कहीं भी नहीं है, बारिश आँख से मतलब इधर दिख रहा है। और कपड़ा अच्छा खासा हमारा सूख गया था, लेकिन आइसक्रीम आ रहा है तो सोच रहे हैं कैसे जाएं लेने रखने जाएं कपड़ा, नहीं तो आइसक्रीम छूट जाएगा। लेकिन उतना जोर से नहीं आ रहा है, रहने देते हैं। और उसका रास्ता एकदम खराब है, पता ना कैसे आएगा आइसक्रीम का गाड़ी। चलिए बने रहिए, आइसक्रीम हमको खाने का मन कर रहा है, खाएंगे कि गर्मी से बहुत ज़्यादा निकल रहा है। और थोड़ा सा एकदम टमाटर एक लगाए थे डाल में, थोड़ा सा काट के ऐसे करके, कमेंट आया था चीनी टमाटर हल्दी करके लगाओ, या फिर हम पहले भी लगाते थे तो सर बड़ा बड़ा कमेंट आ रहा था कि ये वो अमीर हो गए क्या, थोड़ा सा टमाटर लगा लेते इसमें, अमीर गरीब का क्या बात है, कोई नहीं छोड़ी। तो दोस्तों अभी शाम का 5 बज रहा है और आप सबको मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब प्यार सपोर्ट बनाने के लिए, इतना कमेंट करने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के आप सब इतना साथ दे रहे हैं, साथ देते हैं, उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है कि पता चल गया कैसे क्या चलना है रहना है, आप सब ने बताया बहुत सारा बातें ऐसी। बाप रे पुत्र का कब बना वाली वीडियो, आजा उठो, हम सोए नहीं थे ऐसे ही बस लेटे थे, इना के सूतल घोषित कर देगा नहीं करेंगे क्या करे दोस्तों, बहुत ज्यादा मतलब चारों तरफ पानी 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 हो गया ना, इसलिए बेड से उतर रहे तो पानी पानी पूरा, ये तो चींटियां भी निकल रही बारिश में ना, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसलिए अभी कुछ देर से हम लोग नई वाले घर पे बैठे थे, सोच में हम डूबे हैं कि कहीं अब सूर्य आएंगे उठेंगे, अब बेड पर से झाड़ेंगे सब कुछ, इधर झाड़ेंगे बक्सा, देख सकते हैं कैसे हुआ है सारा कुछ। उधर तो अभी धोए थे क्योंकि उधर बहुत ज्यादा पाके उधर हुआ था, और बचा है इस साइड काफी शुरू, क्योंकि बाहर में चल के जब भी आ रहे हैं तो उधर से ही जा रहे हैं किचन में धोने के लिए, तो बहुत ज्यादा पाक हो जा रहा है किचन, इसलिए उधर का धो दिया, इधर का काजल धोएगी अभी, मैं दोनों ही काजल ही धोई थी। और मैं जाऊंगा कुछ सब्जियां लाने, मुरई दे रहे काजल, कब होगा बना दे हम खोई बना आते आते ना खोई सब पूजा करके, अच्छा बना दोस्तों थके हरे आते बना दे, क्या बेटा मम्मी डाटा है कैसे कैसे डाटा बताओ, ऐसे डाटा अरे अरे हथवा खाता रही, दोनों आदमी के बाहर निकाल लें बेटा, मुझे मम्मा ने बाहर निकालने की धमकी दे रही है, पापा कहती हूँ बेटा। अच्छा आपको सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है बताओ, आपको मिठाई कौन लग देता है, आपको घुमाने कौन ले जाता है, आपको खाना कौन बना के देता है, थैंक यू बेटा। खाना बनाई करोगे थे नहीं वो, तो आप तो मेरे लिए अभी चाय बना दोगे है ना, जाओ जाओ जल्दी से बना के लाओ मेरे लिए चाय, मैं चाय बड़ी हो जाऊंगी तब मैं बना लूंगी, बड़ी हो जाओगी तब बनाओगी, अभी छोटी हो, ठीक है ओके बेटा थैंक यू। आप किसकी पुत्री हो, पापा की पुत्री, हाँ। बोपरी, बोपरी, बोपरी। टेंशन टला नहीं है, बहुत ज्यादा और टेंशन है क्योंकि
हम लोग गए थे ना मतलब वहाँ पे पूजा करने तो हमारा बाइक का थोड़ा चलान कट गया था, क्योंकि हमें ये नॉलेज नहीं था कि प्रदूषण कितने दिन, जो पॉल्यूशन बनता है ना गाड़ी का, तो वो ये मुझे पता नहीं था कितने दिन तक का होता है। अब एक साल का ही था जब लिए थे तो, और गाड़ी लिए करीब 1.5-2 साल हो गया, तो उसी का चलान कट गया था 10,000 के समथिंग। आप लोग को पता है बिहार में पॉल्यूशन का चलान 10,000, तो अब वही टेंशन थोड़ा सा लग गया था एकदम से, कि पैसे एकदम छत ढलवाए हाथ खाली है और उसमें भी चलान कट गया, बड़ा वाला चलान। और भी पता ना क्या क्या ऐड करके मतलब टोटल 16,000 काटे थे चलान। और एक मेरा भाई का भी बाइक था, तो उसका भी सेम वही चीज था, तो उसका भी मतलब कि दोनों बाइक का मिला के 32,000 का चलान कटा है। और अभी अभी छत ढला है और इसलिए पैसा हाथ खाली बिल्कुल। और पता नहीं कितने दिन का डेट होता है इसमें, ये पता नहीं है ना हमें कितने दिन का अंदर भरना है। पोल्यूशन बनवाए जल्दी, 80 रुपया बनता है दोस्तों एक साल का, तो गलती हमारे में ही था, इसलिए हम क्या ही कर सकते हैं, गलती हमारा था दोस्त। क्योंकि अब हमें ये नॉलेज उतना नहीं था कितने, हम सोचे थे ना कि है, उसका सब कुछ 5 साल का है गाड़ी का, तो वो भी 5 साल का ही होगा, लेकिन ये नॉलेज ही नहीं था कि 1 साल का ही होता है नए गाड़ी पे, तो उसके बाद से बनवाना पड़ता है, तो हम नहीं बनवा पाते। वैसे 80 रुपए का बनता है, 80 रुपए के चलते 16,000 गया। और भी पता ना क्या क्या ऐड करके वो काटे थे पुलिस, तो हम कुछ नहीं। देखने के बाद बहुत बुरा लगा, हम मान लीजिए हम चलान कट रहा है, हम चलान काट भी दिए, अपना गलती मान लिया, पैसा दिए कहाँ वो भी, हाँ चलान कट गया तो देंगे, देना तो हमें ही पड़ेगा वैसे। लेकिन इतना बदतमीजी से कांस्टेबल थे, इतना बदतमीजी से बात करे, चल तू निकल जा, चल यहाँ से जा। मान चले देखिए जो सरकार का नियम है, रूल रेगुलेशन है, वो हमें फॉलो कर ही रहा हूँ। रुको मत रो, चलो हमें नॉलेज नहीं था इस चीज का कि इस चीज का भी चलान कट सकता है, कितने दिन का होता है इसका नॉलेज नहीं था, फिर भी आपने चलान काट दिया, ठीक है आपने अपना काम कर दिया, फिर उसके बाद से ये इधर से निकल जल्दी से फटाफट से यहाँ से निकल ले, ये कर ले। मैं आपको पूछ रहे थे कि क्या क्या के काटे को समझा दीजिए। अब जब चलान कटेगा 32,000 का, तो हम पूछेंगे ना कि क्या क्या चीज ऐड किए हैं इसमें। वो कह रहे चल ये पकड़ रसीद और यहाँ से निकल। हम बोले कि सर मैं आपको आप कह के बात कर रहा हूँ, और आप है कि निकल जल्दी से निकल जा, ये कर वो कर, ये क्या है मतलब रेत तो करने का तरीका क्या है? इंसान है इंसान, आप भी इंसान हम भी इंसान, तो हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपको भी आप उतना रिस्पेक्ट मत दीजिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना तो मत कहिए चल निकल यहाँ से, ये कर वो कर कुछ। हम बोले वीडियो हम बनाते हैं, अपना वीडियो बनाएंगे, रसीद कट ही गया उसको तो हमें भरना ही है। चलो हम एग्री करते हैं इस चीज को, तो हम अपने ब्लॉग में क्यों नहीं ऐड कर सकते? कह रहे हैं तेरा यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाएगा, तू कैसे बनाता है हम देखते हैं, ये देखते वो बना। हम बोले सर कोई इलीगल थोड़ा ना कर रहे हैं, आपने चलान काटा, हमने चलान एक्सेप्ट किया, हम जाके घर पे भरेंगे, जितने दिन में इसका टाइम होगा उतने अंदर भर लेंगे, लेकिन इस तरह का थोड़ा ना कि हम अपने ब्लॉग में ऐड नहीं करेंगे, और ऊपर से आप रेतो बदतमीजी करेंगे। और हमको बोले थे तू जबान बहुत ज्यादा चल रहा है तेरा, तो तू ये मुंह क्यों लग रहा है? एक मतलब लेडीज पुलिस थी, वो कह रही है कि आप बहस क्यों कर रहे? हम बोले मैं तो आप कह के बात कर रहा हूँ, सबसे रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ बस कि मेरा ये क्या चीज का इतना चलान कटा बस। और आप लोग हैं कि एकदम मतलब कि रे तो रे यहाँ से निकल, मतलब ऐसे ऐसे शब्द जो यूज कर, मतलब गाली नहीं दिए, बाकी सारा बहुत बड़ा था। जो शब्द जो इस्तेमाल करता वो बहुत गंदा था, मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए यार। कोई इंसान अगर पूछ, चलो वो तो मैं तो ये नहीं बोलने गया कि आप क्यों काटे, हम तो ये बोल रहे हैं कितने का काटे और क्या क्या चीज ऐड किए हैं, जो हम जानते हैं कि पोल्यूशन वगैरह का काटे हैं, लेकिन और दो एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड किए हैं वही पूछने गए हम। वो एकदम झाड़ के भगाने लगे, हम बोले कि यार इस तरह से बातें कौन करते हैं, जो आपका काम है वो आपने कर दिया, अब हमारा काम है पूछना, तो हमें बता दीजिए कि हाँ बाबू ये चीज का कटा है, अब बड़ा आप जाओ इतने दिन के अंदर में भर देना। हम ये भी पूछने गए कि कितना दिन तक इसका समय है, लेकिन इसके लिए भी नहीं बताया, कोई भी नहीं बताया, बस भगा दिए चलान काट कर। हम बोले क्या ही बोले, हम वीडियो भी नहीं बना दिए, कुछ भी नहीं। एसआई थे, और मतलब जो एसआई थे ना, जो डबल स्टार वाले थे, वो अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जिनका एक भी स्टार नहीं था, एकदम मतलब नॉर्मल ड्रेस था, हालांकि खाकी वर्दी ही था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसे बोल रहे थे, पता नहीं क्यों, एक मशीन ले लिए थे काटने वाला बस। तो सब कुछ हमें अच्छा लगा, चलो हमें अपना गलती का दंड मिला, वो हमें एक्सेप्ट कि हम आगे से लेकिन सीखेंगे ऐसा ना करेंगे। लेकिन इस चीज को आप, इस चीज के लिए अगर हम पूछें तो आप डांट के भगाओ, उल्टे सीधे शब्द का इस्तेमाल करो, ये अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हमें गुस्सा आ गया था वहां पे।
तो हम तो बातें भी के चलो हम चले आए भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, ज्यादा मुंह लगना, हम इस ऐसे भी इस सब चीजों से हम दूर ही रहते हैं, है ना। चलिए अब कट चुका है तो धीरे धीरे वो भी भरने को कटा है। मानसी का पापा का तो हम बताए नहीं था उस वीडियो में, थोड़ा सा बुरा हुआ हमारे साथ। और देखिए वहाँ पे हम लोग पिछले साल गए थे तो हमारा फोन चोरी हो गया था, उस बार भी 10-15 हजार का चुना लगा था, क्योंकि और इस बार दोनों भाई का दोनों बाइक का मिला के 32 हजार का चुना लगा है। तो बताइए तो मतलब वहाँ जाना हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा। अगले साल भी सब लोग बोले थे कि अब मत आना यहाँ पर, मत आना। इस बार भी हम लोग जाने का मन नहीं था, मेरा मन नहीं था। काजल का भी कुछ ऐसे सिचुएशन था जिसमें नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी इसलिए पूजा नहीं की, लेकिन हम पता नहीं हम लास्ट में क्या हुआ, हम बोले चलो ना काजल घूम के आते हैं, लेकिन तभी हम हार नहीं मानेंगे, अगले बार भी जाएंगे, शंकर भगवान का मंदिर है, ऐसा नहीं होता है कि सब बुरा करे तो हम। लेकिन लेकिन एक चीज और होता है, जब जब बुरा हुआ है तब तब उसके अकॉर्डिंग आगे चल के अच्छा भी हुआ, तो हम क्यों ऐसा करें भाई। हाँ जो भी होता है अच्छा होता है। अब हम जाएंगे चलान कटने से ये तो सीख मिला ना कि गाड़ी का हर पेपर अच्छा होना चाहिए। और हम जब सच बता रहे हैं कसम से कि हमें उतना आइडिया नहीं था कौन सा पेपर कब तक वैलिड है, ये चीज हमें पता नहीं था, नहीं तो ओनली इसका हम देखे थे पर्ची में, पर्ची अभी इधर ही होगा, रुकिए थोड़ा लाते हैं, नहीं उसमें नंबर वगैरह है लिखा जाएगा, मेरा फोन नंबर मेरा एड्रेस वगैरह, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो ये है ना क्या नाम है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का ही 10,000 कटा है और 6,000 और पता ना क्या क्या चीज का कटा है। अबे हम मुंह चुप कर लिए फिर आए थे, जब पॉल्यूशन 80 रुपया का बनता है इसका इतना बड़ा चलान तो इस चीज का हमें नॉलेज नहीं, नॉलेज होता तो हम बनवा के रखे होते पहले से ही। चलिए कोई बात नहीं, अब सब कुछ सब पेपर हम रेडी करा लेंगे, और फिर बाद में हमने किसी किसी से पूछा भी तो बता रहे थे हाँ ऐसा होता है, चलिए कोई बात नहीं जो होगा हो गया। हाँ आगे से हमें इससे ये हमें सीख मिलता कि आगे से हम अच्छे से रहे सारा पेपर करके करके। तो यही सब बात है दोस्तों, और आप सबने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया, उसके लिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज फीलिंग्स को समझिएगा, मतलब हमें नॉलेज होता तो हम 80 रुपए के लिए क्यों रुकते हैं। ये सब चीजें हम रेडी करके रखते हैं, और बाकी गलती हो गया इंसान से होता है, उसके लिए तो हम वहाँ भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, हाथ जोड़ मानसी पापा माफी, चलिए माफ कर दीजिए, कम से कम चलान काटिए, लेकिन फिर भी नहीं माने वो लोग, ऊपर से उल्टा सीधा सब में भगा रहे थे, बोल रहे थे एक, आप सबको पता है कि काफी वहाँ पे लोग थे और भी काफी बहुत ज्यादा लोग थे, सबके सामने हम बस पूछने जा रहे हैं और वो ऐसे उल्टा सीधा शब्द में बोल रहे हैं। और ये हुआ था सिवान बाईपास पे, तो वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं किए बनाना, वो लोग बोले कि नहीं यहाँ पे मत बनाओ, हम बोले ठीक है क्या मुंह लगेंगे हम क्यों बनाएंगे भाई, जब मना कर रहे हैं इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए सबको, और बाकी हम भी अपने मतलब की जो से अपने लाइफ के हर एक मोमेंट शेयर करते हैं ना, जहाँ गलती हो वहाँ दूर मत रहिएगा, पीछे भी मत हटिएगा, जहाँ गलती होगा उसको दिखाइएगा लोगों को कि हाँ गलत हो। देखिए हम अभी क्या कह रहे थे भुलवा दे लो तुम्हारे को, हाँ हमारा मकसद ये है इस वीडियो से कि हम आप हम अपने हर लाइफ की सिचुएशन शेयर करते हैं आप लोगों से, तो ये भी एक लाइफ में हुआ हमारे साथ, तो हम भी पहले तो नहीं शेयर करना चाहते थे, लेकिन फिर आप सबका कमेंट आया कि बताओ क्या हुआ, तो हमें बस जस्ट बताए और कुछ नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आप सब अपना सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा, एंड नॉलेज ना होने की वजह से ये सब हो पाया है, बाकी पेपर सारा रेडी करवा दूंगा आजकल मैं, इसलिए बाइक निकाल भी नहीं रहा, कहाँ चला रहे हैं ज्यादा, तो चलिए सारा पेपर ऊपर रेडी करा लेंगे हम अपना, और कुछ ना कुछ कभी कभी ठोकरे लगती है उससे कुछ ना कुछ इंसान को सीख मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे एक और नया प्यारा सा व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।